यूपी में मिशन 2022 में जान फूंकने के लिए लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर सीएम योगी समेत मंत्री और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार कैंपेन करेंगे लॉन्च। अमित शाह, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह करेंगे बैठक। बीजेपी के सबसे उम्रदराज कार्यकर्ता और दो बार विधायक रहे बुलई भाई से भी मुलाकात करेंगे शाह। 1 नवंबर को 108 साल के हो जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता बुलई भाई। पिछले साल पीएम मोदी ने फोन पर की थी बात। यूपी के ललितपुर में पीड़ित किसानों के परिवारों से मिली प्रियंका वाड्रा। खाद की कमी से जूझ रहे दो किसानों ने गवाई थी जान। ललितपुर में खाद की लाइन में लगे एक किसान की हुई थी मौत। प्रियंका ने विलक्ती पीड़िता को मिलकर दी थी सांत्वना। प्रियंका ने पीड़िता से ली लंबी बातचीत। बेहाल परिजनों का जाना दर्द। प्रियंका के दौरे पर ललितपुर के पाली कस्बे में जुटी भीड़। प्रियंका ने लोगों से किया संवाद। आज सुबह साबरमती एक्सप्रेस से ललितपुर पहुंची थी प्रियंका वाड्रा। लखनऊ स्टेशन पर कुलियों से की बातचीत। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया क्रूज पर मौजूद दाढ़ी वाले शख्स का खुलासा। नवाब मलिक के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा है दाढ़ी वाला काशिफ खान। इंटरनेशनल टीवी चैनल का इंडिया हेड। नवाब मलिक का गंभीर आरोप, फैशन शो के बहाने ड्रग सप्लाई और पोर्नोग्राफी है काशिफ खान का असली धंधा। फैशन शो कराता है, उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नवाब मलिक को समीर वानखेड़े का जवाब, कहा झूठे हैं सारे आरोप। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू। करीब साल भर बाद खुलेगा किसान आंदोलन के चलते बंद पड़ा रास्ता। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों से निकाली जा रही है कीले। किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए पुलिस ने किए थे इंतजाम। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू। करीब साल भर से बंद था रास्ता। टिकरी बॉर्डर से आज बहादुरगढ़ की ओर का रास्ता खुलने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद कार्रवाई। किसान आंदोलनकारियों को दिल्ली घुसने से रोकने के लिए बंद किया गया था रास्ता। जेसीबी मशीनें हटाई गई। दिनों के इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रोम के लियोनार्डो द विंची एयरपोर्ट पर हुई विमान की लैंडिंग। गुरुवार रात पीएम ने दिल्ली से रोम के लिए भरी थी उड़ान। इटली और ब्रिटेन के 5 दिनों की यात्रा पर रवाना। आज शाम 5:30 बजे इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम। कई अहम मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। इटली में G20 सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होगा मंथन। इटली दौरे के बाद ब्रिटेन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में होंगे शामिल। आज मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बठिंडा में करेंगे चुनावी रैली। केजरीवाल ने उठाया पंजाब में किसानों की बदहाली का मुद्दा। कहा सरकार बनी तो 1 अप्रैल के बाद किसानों को नहीं करनी पड़ेगी आत्महत्या। पंजाब में इस बार बीजेपी ने भी ठोकी बड़ी चुनावी ताल। अकेले दम पर 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का किया फैसला। गोवा में ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा अगले कई दशकों तक राजनीति में बीजेपी का रहेगा दबदबा। 3 दिनों के गोवा दौरे पर हैं ममता बनर्जी। आज कई राजनीतिक कार्यक्रम। दिल्ली में बढ़े हैं डेंगू के मरीज। एलएनजीपी अस्पताल में भरे सारे बेड। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बेड भरने पर रामलीला मैदान में शिफ्ट किए जा रहे हैं डेंगू के मरीज। इलाज के लिए की गई है वैकल्पिक व्यवस्था। दिल्ली में सिर्फ एलएनजीपी अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 150 बुखार पीड़ित। पिछले 2 सालों की तुलना में तेजी से बढ़े आंकड़े। यूपी के मेरठ में डेंगू का कहर जारी। अस्पताल में 1200 से ज्यादा डेंगू मरीज भर्ती।
हरियाणा में भी डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को दिए खास निर्देश। जेल से हो सकती है शाहरुख खान के बेटे आर्यन की रिहाई, मन्नत में स्टार किड के स्वागत की तैयारी। जमानत के बाद भी जेल में गुजरी आर्यन खान की रात, रिहाई के लिए बेल ऑर्डर का इंतजार। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल, 3 दिन की कानूनी जिरह के बाद मिली राहत। आर्यन खान को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत, पासपोर्ट करना होगा सरेंडर, देश से बाहर जाने पर रोक, आरोपियों से आपसी संपर्क की भी मनाही। हाईकोर्ट ने नहीं मानी एनसीबी की दलील, एएसजी का दावा लगातार ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था आर्यन। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर 35-35 पैसे का इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 108.64 रुपए लीटर हुआ। दिल्ली में महंगाई का शतक लगाने की ओर बढ़ा डीजल, 1 लीटर डीजल का दाम 97.37 रुपए हुआ। बालाघाट में रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंचे पेट्रोल के दाम, 1 लीटर पेट्रोल 120 रुपए हुआ। बालाघाट में डीजल ने की भी जड़ा शतक, 1 लीटर डीजल का दाम 109 रुपए हुआ। महंगाई से त्राहिमाम कर रही जनता, डीजल पेट्रोल के साथ फल सब्जियों के दाम भी आसमान पर। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, फैक्ट्री में बॉयलर फटने से पिता पुत्र की मौत। रसगुल्ला बनाते वक्त फटा बॉयलर, सेफ्टी वॉल में ब्लॉकेज से हुआ हादसा। औरैया में इंजीनियर अपहरण कांड में 5 आरोपी गिरफ्तार, 25,000 का इनामी बदमाश रवि भी आया हाथ। झारखंड के देवघर में एसीबी ने पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार, घुसखोरी का आरोप। अंबिकापुर में T20 वर्ल्ड कप पर सट्टा लगाते 5 सटोरी गिरफ्तार, 9 करोड़ से ज्यादा के लेन देन के दस्तावेज जब्त।